हेलो किड्स एंड वेलकम टू टूडे सेशन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर फूड आई ईट चिल्ड्रन ममा हमें डिफरेंट फूड्स के बारे में बताती हैं हमें बोलती हैं कि हमें हमेशा अपनी डाइट में डिफरेंट डिफरेंट फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए हमें अपनी मील्स को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए हमें अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों को ऑन टाइम कंज्यूम करना चाहिए इससे हमारी बॉडी को बेनिफिट पहुंचता है सो इन फूड आई ईट फर्स्ट फूड दैट वी ईट इज सैलेड मम्मा क्या कहती हैं आपको बिफोर एवरी मील बिफोर योर डिनर लंच आपको बोलती हैं टू हैव वन प्लेट ऑफ सैलड सैलड हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं सैलड में हम डिफरेंट चीज़ें खाते हैं जैसे कि कुकुम्बर हो गया टमाटोज हो गई अनियंस हो गए रेडिश हो गया कैरेट्स हो गए इन पर हम मसाला स्प्रिंकल करके इनको और भी टेस्टी बनाते हैं बट हमें डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए एज ये बहुत ही बेनिफिट पहुँचाते हैं हमारी बॉडी को नेक्स्ट फूड दैट वी हैव इज राइस राइस इज एवरी वंस फेवरेट हम डिफरेंट वेजिटेबल राइस भी इंजॉय करते हैं हम राइस को डिफरेंट सब्जीज के साथ भी इंजॉय करते हैं छोले चावल हो गए राजमा चावल हो गए कड़ी चावल हो गए इज एवरी वंस फेवरेट सो राइस नेक्स्ट फूड दैट वी ईट इज एवरी वन फेवरेट स्पेशली इन समर्स वेन यू फील रियोली हॉट अराउंड तो आप क्या कहते हो मम्मा पापा से दैट यू वॉन्ट टू हैव आइसक्रीम सो आइसक्रीम्स डिफरेंट फ्लेवर्स की होती हैं डिफरेंट कलर्स की होती हैं जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती हैं नेक्स्ट फूड दैट वी ईट इज दाल दाल डिफरेंट दाल्स मम्मा कुक करती हैं हमें हमेशा वन बोल ऑफ दाल को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए बिकॉज ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं टर बाटर butter. Butter, आप लोग सबको बटर बहुत पसंद होता है देयर इज येल्लो बाटर व्हाइट बाटर हम ब्रेड बटर भी खाते हैं पराठाज में भी बटर को एड करके खाते हैं जिससे टेस्ट उसका और एनहांस हो जाता है सो so, बटर, नेक्स्ट फूड दैट वी इज जब भी हमें कुछ टेस्टी खाने का मन करता है तो हम मम्मा को क्या कहते हैं दैट यू वॉन्ट टू हैव बर्गर्स बर्गर्स में डिफरेंट वेजिटेबल्स टिक्की लगा के हम इंजॉय करते हैं उनको हम टमाटो सॉसेस के साथ डिफरेंट बहुत सारी सॉसेस के साथ भी इंजॉय करते हैं सो बर्गर्स नाउ द नेक्स्ट फूड दैट वी हैव इन आर मील इज चपातीज राउंड राउंड चपातीज दे आर ब्राउन इन कलर और खाने में बहुत टेस्टी होती हैं हम उसको डिफरेंट सब्जीज के साथ खाते हैं हम उसको बहुत इन्जॉय भी करते हैं नेक्स्ट वी हैव इज मिल्क मिल्क तो हम सबको पीना चाहिए एटलीस्ट वी शुड ऑलवेज हैव टू ग्लासेस ऑफ मिल्क्स डेली ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं इसलिए बच्चों हमेशा मिल्क को कंज्यूम करना चाहिए नेक्स्ट फूड दैट वी हैं। हमारा बर्थडे हो या किसी का भी बर्थडे हो लाइक टू like हम चॉकलेट शेक भी enjoy करते हैं, spreads भी ब्रेड्स में लगा के खाते हैं हम डिफरेंट चीजों में चॉकलेट्स को एड करके उसके टेस्ट को एनहांस करके खाते हैं सो चॉकलेट्स नेक्स्ट फूड दैट वी ईट इज ब्रेड देर इज ब्राउन ब्रेड देर आर व्हाइट ब्रेड्स सो ब्रेड्स को हम ब्रेकफेस्ट में भी कंज्यूम करते हैं ब्रेड बटर भी इंजॉय करते हैं सैंडविचेस भी इंजॉय करते हैं सो ब्रेड्स सो चिल्ड्रन दिस इज अबाउट द फूड दैट वी ईट विद दिस दिस इज द एंड थैंक यू